हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गौरव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है, आज हम जा रहे हैं ओमान के इंडिया एमएनसी में, ताकि जो मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्री का काम है। तो मेरे साथ निखिल भाई हैं, निखिल भाई भी आ रहे हैं अपना ऑफिस का काम छोड़ के मेरे लिए। थैंक यू निखिल भाई, पहले तो आपके लिए जो आप मेरे साथ आए। और जो है हम अपने लोग मिलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिलजुल के हमें करनी चाहिए, तो हम जो है एमएनसी में आए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट वाला काम भी है तो यहाँ पे भी आई होप कि सारे काम आज ही हो जाए हमारे कंप्लीट। तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ भैया यूट्यूब चैनल आप हिमाचली बाबा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी ब्लॉगिंग वीडियो है ट्रैक की और डेली लाइफ की एंटरटेनमेंट। सो अभी साथ में हम कुछ भी ब्लॉग डाल रहे हैं, तो आप इंजॉय करें, वीडियो को देखें। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे ओमान में कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, कहाँ पे क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे आगे आपको ब्लॉग दिखाएंगे। दोस्तों अभी निकल चुके हैं हम और इंडियन एमएनसी जा रहे हैं, तो ये वाला रूट है। तो रूट का तो मुझे पता नहीं है, भैया से पूछेंगे भैया कौन सा वाला है एरिया इधर। ये हम जा रहे हैं शांतिकुरम की साइड, शांतिकुरम। ये रॉयल एकेडमी है यहाँ पे, ये सामने होटल भी है, इंटरसिटी है। नहीं इंटरसिटी, इंटरसिटी होटल है इधर, यहाँ पे साथ में ही इंटरसिटी होटल के बैक साइड। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सारी एमएनसी, तो अभी चेक करें, अभी चेकिंग हो गया आगे। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहे और अंत तक ज़रूर देखें। तो इसकी पूरी लोकेशन बतानी है ना आपको डाल के, कि कहाँ पे शांतिकुरम में कहाँ से। तो इंटरसिटी होटल के बैक साइड में जो है रोड है, ये इंटरसिटी होटल है, ये इसका बैक साइड है, बैक साइड है, हाँ होटल का बैक साइड है। और आगे से हमें लेफ्ट होना है। अभी सारे झंडे लगे हैं ना इंडिया के, दिख रहे हैं? इंडिया का नहीं है वो, इजराइल का लग रहा है। सेम सेम लग रहा है इंडिया और इसके। यहाँ से तो यहाँ से लेना है हमने टर्न लेफ्ट फिर राइट। इजराइल के झंडे देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ से सारी एमएनसी स्टार्ट हो जाती है। लेके चलते हैं, अच्छा मौसम बना हुआ है जी। मौसम तो ऐसा हो रहा है जी, गार्डन 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 हो रहा है। देखो फ्लैग चेक करें गाइस, यहाँ से राइट। तो दोस्तों अभी पुलिस चेकिंग चल रही थी इसलिए कैमरा बंद करना पड़ा, तो अलाउड नहीं है, तो लेने के देने पड़ जाते अभी। तो यहाँ से सारी एम्बेसी स्टार्ट हो चुकी है, ये वाली देखो इराक की एम्बेसी है और हमारी सबसे लास्ट में है। कतर की, कतर कतर एम्बेसी देख सकते हैं आप यहाँ पे सामने। मौसम तो ऐसे खिल रहा है जैसे गार्डन 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 है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की। तो आज का जो ब्लॉग है आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आज का जो ब्लॉग है आज सारे एम्बेसी के ऊपर ही ब्लॉग रहेगा। चाइना चू चै चू, चाइना वाला भी खड़ा हो रखा है, इसको भी यहाँ पे फंसा रखा है ओमान में, पासपोर्ट नहीं मिल रहा इसका। और सोनाटा चेक करें गाइस, मौसम तो मैं गाड़ी तो धो दिया करो भाई लोगों, यहाँ तो फाइन भी है गाड़ी धोने का। और ईरान की एमएनसी आ चुकी है हमारी, ईरान फेवरेट कंट्री फॉर अस एंड पीपल, people are so lovely, also good loving and caring people. कहाँ गया आगे, किंगडम ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन जॉर्डन का जॉर्डन पहुंच गए हैं, गाइस जॉर्डन ही पहना हुआ है। आगे व्यू चेक करें, वेदर चेक करें, पुलिस भी, पुलिस भी चेक करेगा इस इधर, हेल्पफुल पुलिस है यहाँ पे बहुत सारे। अभी पीछे हमारी एम्बेसी आ चुकी है गाइस, इंडिया एम्बेसी, ये चेक करें, यहाँ से एंट्री कर चुके हैं। फ्लैग तो, अरे हमारी फ्लैग दिखे हमारी कंट्री का, बाहर कंट्री में अगर अपना फ्लैग दिखे तो प्राउड फील हो जाता है, हैं? ये सारी पार्किंग है, तो अभी अंदर लेके चलते हैं। चेकिंग नहीं होगी, खाली ये डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे खाली बस। तो आगे तो मैं अंदर का आपको ब्लॉग तो शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंदर तो सारा बैन है, तो बाहर बाहर तक मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो अभी हम अंदर से बाहर आ चुके हैं, तो काम तो ऐसे 90% हो ही जाएगा, 90% हमारा हो चुका है। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्री हमारा अभी पेंडिंग है, तो वो अभी सबमिट करने हैं, तो हमें कॉल करा जाएगा यहाँ से।
तो फिर एक राउंड और भी लग सकता है हमारा। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो गई है, तो बारिश होना किसी शुभ का होता है, हमारे इंडिया में माना जाता है शुभ। आगे का व्यू दिखाया, आगे का हम नज़ारा दिखाते हैं आपको। और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और ये एम्बेसी का लोगो लगा है यहाँ पे, सत्यमेव जयते, देख सकते हो। भाई जी ने सीसा ऑफ कर दिया था। अभी हम आते टाइम उधर से आए थे, फिर हम इधर साइड से जा रहे हैं। तो ये देख, ये यहाँ की आर्मी पुलिस है, बहुत ही तगड़ी पुलिस है यहाँ की। कहीं पे भी किसी को भी राह चलते को रोक सकते हैं। भाई के साथ कभी हुआ है ऐसा? काफ़ी कोऑपरेटिव है भाई, अच्छी है, सपोर्टिंग है, काफ़ी सपोर्ट करेगी, पोलाइटली काफ़ी प्यार से बात करेगी। ओमान पुलिस जो है काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी हेल्पफुल है, ऐसे इंडिया की पुलिस की तरह नहीं है कि पैसे दे दो बिना मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाबी निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे जो है एक सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है और काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी हेल्पफुल है। चलो अभी तो काम तो अभी पेंडिंग है थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा कुछ चाय वाय पीते हैं, थोड़ा पेट पूजन करते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो चलो हम आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको, वीडियो में पूरा बने रहे। अभी हम जा रहे हैं गोबरा बीच, जो कि मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ भाई के साथ, भाई को पता है। पार्क है वहाँ पे काफ़ी अच्छा, राइट में आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। अभी तो अभी रस अभी रस तो नहीं होगा ना, फुटबॉल खेल सकते हैं, रश नहीं होगा ना, इवनिंग टाइम में रश होता है। सो काफ़ी अच्छा पार्क है नियर टू, जैसे आप अल्कुएर में हो, गोबरा में हो, अजैबा में हो, तो गोबरा बीच जा सकते हो आप। अभी दिखाएंगे आपको गोबरा बीच का कैसा है। तो भीड़ में सो गाइस, आप देख सकते हैं गौरव यहाँ पहुँच चुका है गोबरा बीच में, और बोट के बीच में नज़ारे लेता हुआ। और यहाँ पे जो है फ्रेश फिशेस का स्टॉक आता है गोबरा बीच में। हाँ भाई ये देख लो, नई चीज़ मिल गई है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, टच ना करें इसको, वायरस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर पड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ख़तरनाक है, वापस समुंदर में डाल दिया ताकि फिर से जीवित हो जाए। सो गाइस मौसम चेक करें, नहीं नहीं ये फिशेस का है ये। सो गोबरा बीच में आप देख सकते हैं ऐसे फिशेस लगी हुई है, और ये हमारी गाड़ी है, और ये जो है बोट लगी हुई है आगे, और ये पूरा गोबरा बीच है इस साइड। यहाँ पे रेंटल बाइक्स मिलती है और आप जो है नज़ारा ले सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं वीकेंड पे आके। बाहर की बाइक चेक करें, बारिश का मौसम और गोबरा बीच की राइड, आगे दिखा दें। अब बारिश की बूंदे चेक करेगा इस, यहाँ पे भोले बाबा जी के ऊपर भी बूंदे हो चुकी है। यहाँ पे हमें बहुत ही पुरानी, शायद 100 साल पुरानी यहाँ पे बोट है, ये ओमान की सबसे पुरानी बोट, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देख सकते हैं आप कैसे रखी हुई है, पहली बोट है ओमान की जो लकड़ी से बनाई गई थी, सबसे पहले यही चली थी यहाँ पे, बिल्कुल सुई धागे से सिली हुई है आगे से। अभी इंडिया में होती तो कब की, अभी ठंडियों में जला के एक और है भाई यहाँ पे, एक और नजर आ चुकी है, ये चेक करें, ये तो लोहे की लग रही है, ये भी लकड़ी की है भाई, लकड़ी की बोट पानी में खराब नहीं होती, पेंट कर रखा है इन्होंने, पेंट कर रखा है, इसमें टायर लगा के सड़क में इसमें दौड़ा सकते हैं इसको, गाड़ी के पीछे बांध के।